बनानी थी मतलब ट्राई कलर समझ जाओ यार आप सो so, अभी प्रॉब्लम ये है कि ना मुझे आला है रेडी होने में तो जस्ट मैं सो के उठी हूँ और हाँ मुझे है आज मैं बहुत लेट उठी हूँ बट कोई बात नहीं एंड साढ़े दस से मेरी ऑनलाइन क्लासेस भी हैं एंड यहाँ पे गर्म पानी अभी मम्मी ने दिया है तो अभी मैं पीती हूँ उसे गर्म पानी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है सो आपको भी पीना चाहिए एंड मुझे जल्दी उठना चाहिए सो so, कई आज नाश्ता बनाने वाले हैं मैं और दीदी तो आज मेरी और दीदी ही है सो so, अभी दीदी ने मेरे से कहा है कि एक आलू और एक प्याज काटो सो so, अभी मैं वो काटूंगी सो so, हेरी प्याज एंड ये आलू सो मैं भी इसे कट करती हूँ सो so, यहाँ पे अभी दीदी भी मेरी सहायता करने के लिए आ गई है यहाँ पे बॉम्बिनो एंड यहाँ पानी तो दीदी बताओ कितने वो डालना बताओ ठीक है सोइज so अभी मेरी क्लास वगैरह सब कुछ हो गई है एंड अब यहाँ देखो मेरे बुक्स वाले पड़ी हैं। एंड यहाँ पे खाना भी बन गया है so सो आज ये इसको क्या कहते हैं आलू गोभी हाँ आलू गोभी दाल रोटी एंड चावल एंड यहाँ पे दीदी और मम्मी है Hi. दीदी आप भी कर दो so guys, आज मेरा मतलब खाना वगैरह सब कुछ हो गया है एंड आज एक चीज बतानी वो ये है कि मेरे बाल बड़े लग रहे हैं ऐसी बात नहीं मुझे ये बताना था मैंने आपको कल के ब्लॉग में बताया था कि एक मतलब काइट से ट्राई कलर मतलब इंडिया का काइट बनानी थी मतलब ट्राई कलर समझ जाओ यार आप सो so, उस काइट को मैंने मैंने बना लिया था मैंने पिछले ब्लॉग में दिखाया था एंड ये रही उसकी एक पिक सो so, अभी क्या बोलते हैं मुझे उसके साथ एक फोटो खिंचवा के, के ग्रुप पे डालनी है सो so, अभी प्रॉब्लम ये है कि ना मुझे आलस आ रहा है रेडी होने में तो मेरा तो क्या था ये लोअर पहन के खिंचवा लूंगी फोटो उसके साथ बट नहीं अब मेरे सारे दोस्त ने मैंने पूछा वो सब कह रहे हैं कि एकदम त्यार होके हम कर रहे हैं तो मैंने कहा चलो ठीक है फिर मुझे भी होना होगा तैयार मजबूरी है देखो भाई मजबूरी बट कोई बात नहीं तैयार होने में क्या जा रहा है हो जाएंगे बाकी आप लोग बाहर का व्यू देखो इतना सही हो रहा है एंड वो सन क्या हो? मतलब व्यू आता है ना बैक कैमरा से जब मैं शूट करती हूँ एंड यहाँ पे कपड़े वगैरह सब सूख रहे हैं सो भी सब फैला हुआ है एंड हवा भी चल रही है थोड़ी थोड़ी एंड यही वो एरिया है जहाँ पे मैंने उस छिपकली पे पैर रखा था अगर आपको नहीं पता क्या है तो मेरे पास्ट के ब्लॉग में आप जाना देखना एंड वहाँ पे आई डोंट नो आपको दिख रहा है कि नहीं बट वहाँ पे देखो वहाँ बच्चे खेल रहे हैं छोटे छोटे कितने तो क्यूट लग रहे हैं एंड लुक एट दिस पेंटिंग सो ये पेंटिंग्स ना मेरी दीदी ने बनाई थी खिड़कियों के ऊपर एंड ओम निव जी की बनाई थी बहुत ब्यूटिफुल है सो so, अभी मैं फिर से बालकनी में हूँ ये <laughs> सो so, अभी मेरे से मम्मी ने कहा है कि जो कपड़े सब सूख रहे हैं इनको तुम्हें उतारना है सो अभी मैं उतारूंगी सो so, रे कपड़े सारे? हाँ सारे कपड़े बोरी मम्मी लेटी हुई है सो <laughs> so, यहाँ मम्मी दूध डाल रही हैं एंड अभी बनने वाली है चाय ठीक है ये डालते हैं तुम ऐसे ही भर के एक होता है सॉरी मम्मी ठीक है थीक ना कितना डालोगी आधा चम्मच आपके हिसाब से नहीं ये डालना है बस एक बार ठीक है ना नहीं <laughs> तो चाय काली कर दी सारी चाय मम्मी ओके okay. दीदी मेरा और यो दो मेरा और यो हो क्या होता है तुम्हारा नहीं है आई I मीन mean, एक पीस दे दो मेरी बहन नहीं। <laughs> अरे यार सो so गाइस जो मैंने अभी आपको एक क्लिप दिखाई थी उसमें मम्मी मुझे डांट रही थी वो इसलिए क्योंकि मैंने चाय पत्ती ज्यादा डाल दी थी एंड मैंने सोच लिया फाइनली कि मैं तैयार नहीं होंगी फोटो के लिए सो so बस मैंने इसी जैकेट में नॉर्मल से खिच वाली फोटो एंड यहाँ पे मेरा सूप आ चुका है सो so मैं सूप पियूंगी अभी खाना लेके आ गई हैं एंड मम्मी कैसा लगा आज मुझे डांटकर खूब ज्यादा तुम इसी लायक हो वो क्या खिचड़ी बोलेली या चटनी नहीं चटनी नहीं चाहिए खा लो खा रही हूँ नहीं चटनी ले लो नहीं 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 चाहिए चटनी से अच्छा लगेगा आ नहीं चाहिए हे गाइस सो मुझे बस एक चीज बोलनी थी दिस वीडियो इज नॉट दिस वीडियो इज अ क्लिकबेट एक्चुअली नॉट अ क्लिकबेट क्योंकि देखो दिस इज माय फर्स्ट व्लॉग ऑफ दिस वीक सो हां थैंक्स फॉर वाचिंग बाय